आज के हमारे घोड़ा डोंगरी शाहपुर विधानसभा में आज हमारे सतपुड़ा की वादियों में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और देश के सर्वोच्च नेता, हम सबके चहेते और हमारे पड़ोसी जो सबसे ज्यादा अगर छिंदवाड़ा के बाद अगर कहीं प्यार करते हैं तो बैतूल जिले को करते हैं, ऐसे कमलनाथ जी का जोरदार हार्दिक अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। साथियों, हमारे मंच पर विराजमान बैतूल के लोकप्रिय विधायक भाई निलय डागा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा, हेमंत वागदे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव समीर खान जी, राजन जायसवाल जी, मनोज आर्य जी, हमारे तिरुपति जी, अरुण गोटी जी, मंचा सिंह, हमारे मोर्चा संगठन के सभी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, हिरेश्वरी यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे नगर पालिका घोड़ा डोंगरी की नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी पार्षदगण और मंचा सिंह, हमारे सभी घोड़ा डोंगरी विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी और सभी यहाँ उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, पूरे क्षेत्र से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, सम्मानित किसान भाइयों, मेरी माताएं बहने, आगंतुक अतिथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों और सम्मानित पत्रकार साथियों, इस प्रदेश में और आपके स्मार्ट गोरे नारे युवा और हमारे इस क्षेत्र के कांग्रेसी के प्रत्याशी, जनपद के अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य और आपके युवा प्रत्याशी भाई राहुल उइके जी का जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। साथियों, विगत 19 सालों से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। 19 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने खेती किसानी को, शिवराज सिंह जी ने बोला था कि खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, किसानों की आय दोगुनी करूंगा, लेकिन 19 सालों में बीजेपी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह की नीतियों के कारण खेती को इन्होंने घाटे का सौदा बना दिया, क्योंकि खेती में लागत बढ़ गई, आज डीजल महंगा है, कृषि यंत्र उपकरण महंगे कर दिए, खाद महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी, खेती में लागत बढ़ा दी और हमारे किसानों का माल मरे के भाव में लिया, किसान के माल को सही दाम नहीं मिल पाया और इसलिए साथियों किसान कर्जे में आके खड़ा हो गया। मैं नहीं बोलता, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसानों ने कर्जे के मारे आत्महत्या की है, फांसी के फंदे पर लटके हैं पूरे देश में, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की है, शिवराज सिंह के राज्य में आत्महत्या की है, ऐसा कलंकित मध्य प्रदेश शिवराज सिंह ने कमलनाथ जी के हाथों में दिया था। कमलनाथ जी ने साथियों किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कर्जा माफी की योजना शुरू की, पहले चरण में चालू खाते वालों का 50,000 का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ करने का काम किया। साथियों, ये कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी। दूसरे चरण में और पहले चरण में जो डिफॉल्टर खाता था उनको 2,00,000 रुपए तक का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ करने का काम किया और 1,00,000 रुपए तक का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया। जैसा ही तीसरा चरण शुरू होने वाला था, जो आपने वोटों के दम पे कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार बनाई थी, बीजेपी ने उन नोटों के दम पे खरीद ली और कांग्रेस की सरकार गिरा दी। साथियों, सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो हमारे किसान भाइयों का हुआ कि बीजेपी ने कर्जा माफी की योजना रोक दी। कर्जा माफी
मोदी ने शुरू की थी। बिजली का बिल खेती किसानी का आधा किया था, जो 300 रुपए पेंशन गरीबों को मिलती थी वो कमलनाथ जी ने एक ही झटके में बढ़ाकर 600 रुपए करने का काम कमलनाथ जी ने किया था। साथियों, आज हमारे आदिवासियों के सम्मान में अगर इस धरती पर सरकारी छुट्टी घोषित करने का किसी ने काम किया तो वो केवल और केवल 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर केवल और केवल कमलनाथ जी ने हमारे आदिवासियों को मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, सरकारी छुट्टी घोषित करने का काम किया। हमारे आदिवासी दिवस पर कमलनाथ जी ने मदद योजना के माध्यम से हमारे आदिवासियों के कार्यक्रम के लिए 1,00,000 रुपए कार्यक्रम के लिए देने का काम किया। साथियों, जो ट्राइबल ब्लॉक थे उनको आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे तीज त्योहार के लिए, गांव के कार्यक्रमों के लिए, गांव के शादी विवाह के कार्यक्रम के लिए, आपके 13वीं श्रद्धांजलि और सारे सामूहिक काम के लिए 25,000 रुपए के बर्तन भी कमलनाथ जी ने प्रत्येक गांव को देने का काम किया। साथियों, केवल 14 महीने मिले कमलनाथ जी को, उसमें से 4 महीने लोकसभा की आचार संहिता में चले गए, 10 महीने काम करने को मिला। कमलनाथ जी का क्या कसूर था? साथियों, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ करके क्या कसूर किया था? कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध करने का काम किया। कमलनाथ जी ने मिलावटखोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। कमलनाथ जी ने जो भूमाफिया थे उनके खिलाफ शुरुआत की थी। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी का क्या कसूर था साथियों, कि जो आपने वोटों के दम पे 5 साल के लिए सरकार बनाई थी बीजेपी ने, वो आपके वोटों का अपमान किया और सरकार गिरा दी। साथियों, आज आप लोगों को कमलनाथ जी ने इस धरती पर इतना बड़ा पुण्य का काम करने जा रहे हैं कि जो हमारे बाल बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो फीस के अभाव में, गरीबी के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते हैं, और आदरणीय कमलनाथ जी ने पुण्य का इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य का काम करने जा रहे हैं कि हमारे जो बच्चे पहली से लेके 5वीं तक जो बच्चे रहेंगे उनको 500 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि देने का काम पड़ा कमलनाथ जी करने जा रहे हैं। जो 6वीं से लेके 10वीं तक बच्चे रहेंगे उनको 1,000 रुपए प्रति माह हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कमलनाथ जी देने का काम करने जा रहे हैं। जो बच्चे 10वीं से 12वीं तक पढ़ेंगे उनको पढ़ाई के लिए प्रति माह 1,500 रुपए देने का काम कमलनाथ जी करेंगे। साथियों, अब हमारे बच्चे फीस के अभाव में, हमारे बच्चे पैसे के अभाव में अब पढ़ाई से वंचित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा कमलनाथ जी वहन करेंगे। साथियों, इतना बड़ा पुण्य का काम कमलनाथ जी ने हमारे बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए किया है। साथियों, आज कमलनाथ जी ने और दूसरा पुण्य का काम जिसके कारण हम गांव वाले सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं, वो कौन से टेंशन में? आज सबसे ज्यादा अगर परेशानी होती गांव वालों को तो बिजली के बिल के कारण होती है। घर का बिजली का बिल आदरणीय कमलनाथ जी ने आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आए, जो घर का बिजली का बिल 100 यूनिट तक जो जलाएगा वो 100 यूनिट तक जो जलाएगा उसको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। साथियों, ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है। जो 200 यूनिट बिजली जलाएगा उसको बिजली का बिल आधा ही भरना पड़ेगा, ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है। साथियों, आज ये हमारे जो मोटर पंप का बिजली का बिल आता है 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर का, हमारे किसानों पर वो 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर का मोटर पंप का बिजली का बिल आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है, कांग्रेस की सरकार रहेगी 5 साल तक हमारे किसानों को 5
5 HP तक बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, बिजली का बिल फ्री रहेगा साथियों। और जो 10 HP तक मोटर पंप है उसको बिजली का बिल आधा ही भरना पड़ेगा, ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है साथियों। और जो ये 19 साल तक इन्होंने महंगाई आपके ऊपर डाली है, आज पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, खाने का तेल महंगा है, रसोई गैस महंगी है, सोसाइटी में मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं है, शक्कर सोसाइटी में मिलती नहीं है, और खाद महंगा है, बिजली का बिल महंगा है, कीटनाशक दवाइयां महंगी है, जो खेती के काम में आने वाला हमारा PVC पाइप अनाप शनाप महंगा कर दिया। साथियों हम गरीबों के लिए इस BJP की सरकार में घर बनाना आसान नहीं है, क्योंकि लोहा महंगा है, सीमेंट महंगा है, रेता तो सोने जैसी महंगी कर दी है इस BJP के राज में। और इसलिए साथियों महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है तुम्हारे से। आज देखिए कि आज महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल सस्ता है, मध्य प्रदेश में महंगा है। ये शिवराज सिंह जी ने पेट्रोल और डीजल पर जो मध्य प्रदेश का वेट टैक्स लगाया है, जिसके कारण आपसे पेट्रोल और डीजल पे अनाप शनाप राशि वसूल की जा रही, सरकारी खजाना भरा जा रहा है, और आपसे महंगाई की मार से सरकारी खजाना इन्होंने भरा है। और चुनाव के 4 महीने पहले जब पता लगा कि BJP और RSS के सर्वे में 230 सीटों में से केवल 40-50 सीट आ रही है, तो इनकी चट्टान खिसक गई कि BJP सरकार जा रही है या और 40-50 सीट आ रही है, तो इन्होंने चुनावी फंडे के रूप में साथियों क्या किया कि जो तुम्हारे से एक हाथ से महंगाई की मार से सरकारी खजाना भरा, दूसरे हाथ से लाडली बहना के रूप में उनके खाते में 1000-1000 रुपए डालने का ये चुनावी फंडा 4 महीने पहले शिवराज सिंह जी ने लाया है। आप लोगों को समझना होगा, हमारी माताओं बहनों को समझना होगा कि 19 साल तक इस BJP की सरकार ने महंगाई की मार देकर आपसे वसूल किया, और 4 महीने पहले आपका ही पैसा इन्होंने 1000 रुपए आपको लाडली बहना के रूप में देने का चुनावी फंडे के रूप में काम किया जा रहा है। साथियों इसी 19 साल की सरकार ने हमारी लाडली बहना को BJP की नीतियों के कारण गरीब बना के रख दिया, और 1000 रुपए डाल के क्या हमारी बहनों को अमीर बना देगा, ये चुनावी फंडा है। इस बात को आपको समझना चाहिए साथियों, न शिवराज मिलेगा आपको, न मोदी मिलेगा, केवल और केवल कोई मिलेगा हमारे पड़ोस में तो आदरणीय कमलनाथ जी मिलेंगे साथियों, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। और कमलनाथ जी ने वचन दिया है नारी सम्मान के रूप में हमारी बहनों के लिए नारी सम्मान के रूप में कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि जैसे ही अगले महीने कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप 1000-1200 छोड़ो, हमारी बहनों को कमलनाथ जी 1500 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे साथियों, 1500 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। महंगाई की इस मार से निजात पाने के लिए कमलनाथ जी 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे साथियों, ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है। साथियों अंत में मैं एक कहना चाहता हूँ, आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हमारे बैतूल जिले से कोसों दूर से बने हैं, अर्जुन सिंह जी बने तो रीवा सत्ता से बने, उन्होंने रीवा के आसपास के लोगों का भला किया, सेठी जी बने इंदौर से तो उन्होंने इंदौर को चमन किया। साथियों पहली बार तुम्हारी और हमारी किस्मत से इतने बड़े कद के नेता हमारे पड़ोसी है, हमारे जिले से लगी सीमा छिंदवाड़ा जिले की है, तुम्हारी हमारी किस्मत से सहयोग से आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे साथियों। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, सबसे ज्यादा फायदा
छिंदवाड़ा के बाद अगर किसी को होगा तो बैतूल जिले को होगा। साथियों, पड़ोसी का धर्म कमलनाथ जी ने हमेशा निभाया है। कमलनाथ जी ने सड़क मंत्री रहते हुए 2 लेन और 4 लेन सड़कों का जाल बिछाया है। कमलनाथ जी के रहते ही बैतूल से होशंगाबाद ये 4 लेन सेंक्शन हुआ था। आपकी मांग पर कमलनाथ जी ने भौरा में बाईपास करवाया, आपकी मांग पे ये 4 लेन करवाया, बैतूल नागपुर करवाया। और इसलिए साथियों, कमलनाथ जी ने नगर पालिका को पीने के पानी के लिए करोड़ों अरबों रुपया दिया पूरे बैतूल जिले की नगर पालिका को। और इसलिए 14 महीने में सबसे ज्यादा अगर पीएचई विभाग के माध्यम से कमलनाथ जी ने किसी जिले को पैसा देने का काम किया तो बैतूल जिले को दिया है। साथियों, ये कमलनाथ जी ने अपना प्रेम बता दिया कि वो बैतूल जिले को कितना चाहते हैं। और साथियों, इसलिए मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान हमारा राहुल एक जनपद का अध्यक्ष है, जिला पंचायत का सदस्य है और ऐसे होनहार जो आपको 24 घंटे सेवा दे सकता है। और एक अच्छा नौजवान कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बार आने वाली 17 तारीख को कमलनाथ जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मेरे साथ बोलेंगे, कमलनाथ जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, कमलनाथ जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, राहुल को जिताना है, इसलिए पंजे की बटन दबाना है और अपने बैतूल जिले का तेज रफ्तार से विकास कराना है। इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, इस घोषणावीर मुख्यमंत्री का आगे पाठ पीछे सपाट करना है। और चला चली की बेला में बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है, कमलनाथ जी आने वाले हैं, तो एक साथ मुझे हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करके कमलनाथ जी को विश्वास दिलाइए कि हम गोला डोरी और बैतूल जिले से भारी बहुमतों से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और राहुल को यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे। जोरदार तालियों से कमलनाथ जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से पहले अनुरोध करूंगा कि आपका लाडला प्रत्याशी है वो भी 2 शब्द राहुल बोलेगा, ये मेरा आपसे निवेदन। हमारे नेता, इस राष्ट्र के नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा अगर 14 महीने की सरकार में किसी का भला किया तो किसानों का किया। साथियों, ऐसे नेता आज राहुल का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री राहुल के नाम भरने के लिए आशीर्वाद देने आ रहे हैं, ये राहुल का सौभाग्य। मैं आदरणीय कमलनाथ जी को जोरदार तालियों से आमंत्रित करता हूं। इससे बोलो। हेलो, मेरे पुराने साथी पूर्व विधायक प्रताप लोधी जी के बारे में मैं बता दूं, ये प्रताप उड़के जी ने, ये ऐसे विधायक थे, इन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया। प्रताप, कहां हो तुम? मेरे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे विधायक पंसे जी, निलय डागा जी, आपके जिले के ही हमारे आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रामू तेकाम जी, आपके अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष हेमंत बागड़े जी, सुनील शर्मा जी, राजेंद्र जायसवाल जी, समीर खान जी, मनोज आर्या जी और आपके उम्मीदवार समाज सेवक राहुल उइके जी, जो मेरा प्रतिनिधि बनके ये कांग्रेस के उम्मीदवार है पर मेरे प्रतिनिधि है आपके बीच पे। सबसे पहले आप मेरे साथ नारा लगाइए, जय सेवा, जय जोहार। मेरे साथ और भी नारा लगाइए,
बड़ा महादेव की, बड़ा महादेव की। रानी दुर्गावती जी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ के सब अपने भाइयों को भी प्रणाम करता हूं। बहुत गहरा संबंध है आप सबसे। यहां आकर ये तो बच्चे हैं, इनका तो जन्म नहीं हुआ था। जब मैं बैतूल जिला में दौरा करता था, जीप में दौरा करता था, सड़कों की हालत बड़ी खराब थी, बगल में शाम तक 1.5 किलो मिट्टी हो जाती थी। यहाँ के मैं ये अपने पुराने साथी, पुराने चेहरों को देख के मुझे भी अपनी जवानी याद आती है। आके तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आप तो मेरे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी के साथ एक अलग रिश्ता होता है, पर आके दुख भी होता है। जब प्रदेश की तस्वीर हम देखते हैं, कैसे हर व्यवस्था चौपट है, पूरे प्रदेश की तस्वीर भी आप सबके सामने। आप है यहां, अपने ब्लॉक में बैठे, अपने क्षेत्र में बैठे। पहले तो मैं आपको, इस ब्लॉक के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामू तेकाम के चुनाव में आपने रामू को जिताया था। यहां से आज हमारे प्रदेश में चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट सुरक्षा व्यवस्था। सबसे ज्यादा अत्याचार अपने देश में आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हुए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में मध्य प्रदेश में। मैं ये नौजवानों को देख रहा हूं, इनको देख के मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे जिले का और प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, नौजवानों की भविष्य की। आज के नौजवान कोई रोजगार की खोज में, आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर अगर कृषि क्षेत्र में मजबूती होगी तभी तो ये बच्चे को अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, सही बात है, तभी तो गांव में किराने की दुकान चल सकती है। आज कृषि क्षेत्र की हालत क्या है, कैसे किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये स्थिति आप सबके सामने है। 17 नवंबर को चुनाव है, ये क्या चुनाव है? चुनाव तो आते हैं जिला पंचायत का, जनपद का, नगर निकाय का, पर ये चुनाव का अलग मायने है। इस चुनाव में केवल केवल एक पार्टी की बात नहीं है, ये चुनाव तय करेगा हमारे बैतूल जिले का भविष्य, हमारे घोड़ा डोंगरी क्षेत्र का भविष्य, हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य। तो याद रखिएगा, मैंने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, मैं तो 44 साल से खुद चुनाव लड़ रहा हूं, पर ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा जो आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं जो भविष्य तय करेगा। तो आज केवल अपने क्षेत्र का भविष्य नहीं, आपके हाथ में मध्य प्रदेश का भविष्य है, और जो आप बटन दबाएंगे 17 तारीख को, आप केवल राहुल उइके का ही बटन नहीं दबाएंगे, आप भविष्य का बटन दबाएंगे, ये याद रखिएगा। भविष्य का बटन दबाएंगे, कैसा भविष्य हमारा मध्य प्रदेश में होए, ये आज आपके सामने जिम्मेदारी है। हमारी सरकार रही थी 15 महीने, हमारी सरकार रही जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने बचे थे। हमने एक शुरुआत करी थी, हमने शुरुआत करी थी और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कृषि क्षेत्र में
मजबूती आए। हमने बैतूल जिले में 85,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। क्या ये पहली किस्त थी? दूसरी किस्त चालू थी, और केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाले किसानों का भी कर्जा दूसरी किस्त चालू थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। आपको खाद और बीज के लिए नहीं भटकना पड़ता था। हमने 100 यूनिट ₹100 में दिए। कौन सी गलती की मैंने, कौन सा पाप किया मैंने? मैंने 1,000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप किया मैंने? मैंने पेंशन बढ़ाई। आज हमारे कार्यकाल का आप सब गवाह हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता क्या क्या किया, पर आप गवाह हैं, और इसीलिए मैं आप सब से, आप सब पर भरोसा करता हूं। मैं मुख्यमंत्री था, विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं देने वाला, मौज करो। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदा करके कुर्सी में बैठने वाला नहीं था। मैंने कहा जय सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज देखिए ये आप सबके सामने, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति जो यहां भी बैठा है या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है, ये पंचायत से लेके ऊपर तक पैसे दो काम लो। जगह जगह मैं पूछता हूं भ्रष्टाचार के बारे में, कोई खड़ा हो जाता है कहता जी 50 एकड़ जमीन हो किसी के पास, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये हालात है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये प्रदेश है। शिवराज सिंह जी ने रेट फिक्स किया हुआ है, रेट फिक्स किया हुआ है 50%, और 50% पैसा दो। ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं तो पूछता हूं शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप भी तो हिसाब दीजिए। मैं बताता हूं शिवराज सिंह जी ने क्या दिया। इन्होंने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया, बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, ये सब चीजें थी। दुखी किसान आपने दुखी किया शिवराज सिंह जी, ये आपने दिया। एक और शिवराज सिंह जी ने दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, घर घर में शराब दी। ये इन्होंने तो मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है, एमपी की तरक्की पर ताला लगा रखा है, किसानों की आमदनी पर ताला लगा रखा है, युवाओं के रोजगार पर ताला लगा रखा है, बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म पर ताला लगा रखा है, कर्मचारियों की पेंशन पर ताला लगा रखा है। ताला खुलवाना है 50% दे दो, 50% दे दो, ये ताला खोलेंगे। ये आज हाल है। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। मुझे लंबी बात नहीं करनी, मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप वन अधिकार पेशा का उदाहरण लें। पेशा 18 साल बाद इन्होंने कानून लागू किया। हमारे आदिवासियों के लिए हमने, कांग्रेस सरकार ने पेशा कानून बनाया था, और ऐसे नियम बनाए, इसमें भी घोटाला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये नया मौका मिला है, हमारी सरकार आएगी हम नए कानून बनाएंगे, नए नियम बनाएंगे, ताकि आदिवासी खुद ये पैसा कानून का क्रियान्वयन करें। बहुत बड़ी आवश्यकता है किसान भाइयों, हमारी सरकार आएगी। अब तो ज्यादा समय नहीं बचा, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। बहुत कर लिया उन्होंने, जगह जगह जाते हैं, इनको रोजगार मांगते हुए नौजवानों
की आवाज नहीं सुनते, आज किसान के आंसू ये नहीं देखते, इनकी कान नहीं चलती, आंख नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, मुंह चलाने में ये मास्टर हैं, मुंह चलाते रहेंगे। 22,000 घोषणाएं करी हैं और अब पिछले 5 महीनों में चुनाव है, इनको बहने याद आने लग गई, इनको कर्मचारी याद आने लग गए, क्योंकि किसी तरह कोई ना कोई प्रलोभन दो और जनता को गुमराह करो। कन्या विवाह की राशि हम बढ़ाएंगे, 1,00,000 रुपए करेंगे, बेरोजगारों को 15,000 से 3,000 रुपए तक आर्थिक सहायता करेंगे, हम नौजवानों को आईपीएल की टीम की ट्रेनिंग देंगे, स्कूल शिक्षा हम पूरी तरह मुफ्त करेंगे। ये सब हमारी योजना है, मैं सब पढ़ना नहीं चाहता, आवश्यकता नहीं है, पर इतना ही कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तस्वीर रख लेना अपने सामने प्रदेश की और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं जानता हूं चिचोली ब्लॉक की क्या मांगे हैं आप, अरे भाई मैं जानता हूं, ये होगा नहीं, चुनाव के बाद आपको आके मुझे पकड़ लेना पड़ेगा, मेरा कुर्ता खींचना होगा तभी ये होगा। ये पुनर्वास क्षेत्र में आदिवासियों एवं बंगाली समुदाय की भूमि के पट्टे की समस्या बहुत पुरानी है, मैं ये जानता हूं, इसका भी समाधान किया जाएगा। हमारा लठिया बिछुआ डैम का निर्माण का